संविधान सभा की बनाई हुई अलग अलग समितियां अपने काम में लगी हुई थीं और सरकार को भी इस मुश्किल वक्त में बहुत कुछ संभालना था। इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद संविधान सभा फिर मिली 4 नवंबर 1948 को। पर इस बीच हुई एक घटना ने सबको हिला दिया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। जाहिर है संविधान सभा में सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। अजीब इत्तेफाक ये था कि इसी बीच कायदे आजम जिन्ना साहब भी नहीं रहे थे, सो गांधी जी के तुरंत बाद उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। और फिर शुरू हुआ मौलिक अधिकारों पे बात बहस का सिलसिला, और शुरुआत की डॉक्टर अंबेडकर ने। The most criticized part of the draft constitution is that which relates to the fundamental rights. It is being said that the fundamental rights are not fundamental unless they are also absolute rights. In the first place, this criticism seeks to distinguish fundamental rights from non-fundamental rights, which is not sound. The real distinction between the two is that non-fundamental rights are created by agreement between parties, while fundamental rights are a gift of the law. Only because fundamental rights are the gift of the state, it does not follow that the state cannot qualify those laws. पर बहुत से लोगों का मानना था कि नागरिकों को बुनियादी हक देने में बड़ी कंजूसी की गई है। डॉक्टर अंबेडकर इज ए लर्नड प्रोफेसर एंड आई थिंक द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली हिज हैंडीक्राफ्ट। आई वांट टू आस्क हिम व्हाई द फंडामेंटल राइट्स, इफ इंडीड दे आर फंडामेंटल, व्हाई आर दे बीइंग क्वालिफाइड बाय पुटिंग सो मेनी प्रोविजोस। आइदर स्टेट द फंडामेंटल राइट्स क्लियरली फ्रैंकली और ओमिट द होल चैप्टर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन and let the future governments frame the fundamental rights according to the needs of the time. पिछली बैठक में जिन मौलिक अधिकारों को हमने तय किया था उनके बारे में भी तरह तरह की शिकायतें की जा रही हैं कि हमने लोगों को बहुत कुछ नहीं दिया है, अब उसमें से भी हम कटौती करेंगे तो लोग बुनियादी हकों के नाम लेने पे भी हंसेंगे। जनाब सदर साहब, इजहारे ख्यालात की आजादी का वादा किया गया है, मुल्क भर में आने जाने रहने की आजादी भी दी गई है, और मन मर्जी से जमीन जायदाद खरीदने बेचने की आजादी भी मिली है, पर हर छूट पे कुछ ना कुछ पख भी लगा दी गई है। कहीं इस बात की रोक है तो कहीं उस बात की टोक। इस सारी रोक टोक की वजह से इस शानदार आइन की शान पे बट्टा लग गया। सदर साहब, पहला हक जो हर बाशिंदे की मांग है वो है उसकी जान की हिफाजत का हक और उसकी आजादी का तहफ्फुज़।
इंसान की अगली बुनियादी जरूरत है पढ़ाई लिखाई, जिसका हमारे इस बुनियादी हुकूक में कोई जिक्र ही नहीं है। इसलिए मेरी तजवीज है कि बच्चों के पढ़ने पढ़ाने को हम स्टेट की जिम्मेदारी माने और एलिमेंट्री एजुकेशन को हर शहरी के बुनियादी हुकूक में बाकायदा शामिल करें। उस वक्त तो लारी साहब की बात नहीं मानी गई और शिक्षा को मूल अधिकारों की जगह निदेशक तत्वों के तहत रखा गया, पर अब 6 दशकों के बाद शिक्षा हर भारतीय बच्चे का अधिकार है। लारी साहब जहां भी होंगे आज बहुत खुश होंगे। बुनियादी हकों पर बात जारी रखी यूपी के छोटे से कस्बे संडीला से आईं बेगम साहिबा एजाज रसूल ने, जो बड़ी सुलझी हुई और जहीन औरत थीं। जनाब सदर साहब, ये निहायत जरूरी है कि कम से कम कुछ सिविल आजादियां हर शहरी को ऐसी मिलें जिन्हें छीनना किसी लेजिस्लेटर के लिए भी नामुमकिन हो। इसीलिए हमारे आइन को चाहिए कि वो इन आजादियों को हर सूरत महफूज रखे। मेरे तई ये निहायत जरूरी है कि कोई ऐसी कमेटी या एजेंसी बनाई जाए जो इस बात पर नजर रखे कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने दिए हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने तय किए हैं, उन मंसूबों को सारे सूबों में लागू किया जा रहा है या नहीं। बहुतों ने मूल अधिकारों की तारीफ की तो बहुतों ने उन पर सवाल भी उठाए। शायद यही तो लोकतंत्र का मर्म है। सर, there are two novel things that are not there in any of the constitutions of the world. First of all, the eradication of untouchability. As a member of the so-called Harijan community, I welcome it. The second feature is the abolition of forced labor, begar. If there is any labor required for common purposes in the village, this most unfortunate fellow, the Harijan, is always caught hold of to do all menial and inferior service. These provisions will empower and integrate a community that has been outside the pale of society. Further protection is being provided by reservations. There are certain sections of people who say that no reservation is required, but all those who have seen the unfortunate plight of my community feel that reservation must be there, as already accepted by the Minorities Committee and also approved by this August Assembly. Sir. श्री महावीर त्यागी हर मसले पर बहुत अलग विचार रखते थे, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में माइनॉरिटीज के स्पेशल राइट्स और रिजर्वेशन पर भी। शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी कहना और मानना बिल्कुल गलत है। वो माइनॉरिटी है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि मर्दमशुमारी में चंद गरीब तबकों की जातियों को एक साथ गिन लिया गया, वो शेड्यूल माइनॉरिटी बनने की बात करने लगे हैं। यह माइनॉरिटी सिर्फ कागजी माइनॉरिटी है और इसे बढ़ावा वो कुछ खानदान दे रहे हैं जो शेड्यूल माइनॉरिटी के नाम पर संसद और असेंबली में अपने लिए सीटें रिजर्व करवाना चाहते हैं। जो सचमुच के माइनॉरिटी थे वो सब सरहद पार करके वहां उस नए मुल्क में जा बसे हैं। सर, अब ना कोई माइनॉरिटी रह गई है और ना अब किसी माइनॉरिटी के लिए कोई रिजर्वेशन रहना चाहिए। और सर, इसीलिए मैं आज हर शेड्यूल कास्ट वाले से, सिखों से, मुसलमानों से, दूसरी माइनॉरिटी वालों से, यहां तक कि हिंदुओं से यह अपील करना चाहता हूं कि अब वो किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन ना मांगे। हम एक सेक्युलर स्टेट हैं और इसलिए हमें किसी मजहबी ग्रुप को या किसी जाति को कोई अलग हक देने का अधिकार नहीं बनता। हम किसी को भी दूसरों से अलग नहीं तोल सकते, हमारे लिए सब बराबर हैं। सदस्यों की शंकाओं को सुलझाने और सवालों का जवाब देने खड़े हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के सम्मानित सदस्य श्री अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर, जो बीमारी के कारण अक्सर बैठकर बात किया करते थे।
The great problem in providing for and guaranteeing fundamental rights in any constitution is where to draw the line between personal liberty and social control. True liberty can flourish only in a well-ordered state, and when the foundations of the state are not imperiled. The problem of minorities has been solved by common agreement in a manner satisfactory to the various parties concerned, and the draft constitution merely seeks to give effect to the agreement reached. ज्यादातर लोगों ने इजहारे ख्याल की आजादी के सिलसिले में सिर्फ राजनीतिक विचारों को सामने रखने के बारे में ध्यान दिया, एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के दूसरे आयामों पर नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज 13 को अगर रास्ते पे चलने वाला आदमी भी पढ़े तो समझेगा कि देश के अंदर स्वराज आ गया और हर इंसान को इसमें फ्रीडम मिल गई है। मगर आगे चलकर सब क्लॉज 2, 3, 4, 5 और 6 को वो पढ़े तो वो समझ लेगा कि देश के अंदर अभी स्वराज नहीं आया है। इस हाउस के बहुत सारे सदस्य जानते हैं कि सन 1941 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था और इस देश के हजारों नहीं लाखों लोगों को जेल के अंदर सड़ना पड़ा था। उस समय हम ये सोच रहे थे कि जब हमारा राज आएगा तो इस देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रांतीय सरकारों ने अभी बहुत से कानून बनाए हैं कि लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते और 5 या 7 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते, और जैसा ये क्लॉज इस समय है उसी तरह से अगर पास हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। वहीं सेठ दामोदर स्वरूप ने प्रेस की आजादी की बात भी उठाई। सर, यह आर्टिकल जिस तरह यहां आया है उसे बड़ी गड़बड़ तरह से लिखा गया है। एक बात जिसका यहां कोई जिक्र ही नहीं है वो है प्रेस की आजादी। मेरे ख्याल से महोदय यह तर्क दिया जाएगा कि प्रेस की आजादी भी क्लॉज ए में ही निहित है जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है। पर महोदय, मेरा कहना है कि आज का युग अखबार का युग है, प्रेस प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रेस की आजादी की बात अपने संविधान में साफ साफ और अलग से लिखें। सिर्फ प्रेस ही नहीं, आज टीवी और इंटरनेट में भी इजहारे ख्याल की आजादी पर सवाल उठते रहते हैं। संविधान बनाते समय ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की लंबी प्रक्रिया के बारे में शंकर वीकली में छपे एक कार्टून को लेकर अभी हाल ही में कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। हालांकि तभी प्रोफेसर केटी शाह जैसे विद्वान ने किसी भी माध्यम में अभिव्यक्ति की आजादी को सुरक्षित रखने की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया था। I beg to move that citizens shall have right to freedom of speech and expression, of thought and worship, of press and publication. Sir, मुझे नहीं पता कि बोलने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग क्यों रखा गया है। मेरे विचार में तो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी एक दूसरे के बराबर की चीजें हैं। हां, पर शायद ऐसा इसलिए किया गया हो कि अभिव्यक्ति के दायरे में तस्वीरें और अन्य कला माध्यमों की चीजें भी आ जाती हैं जो शब्दों से अलग और बढ़कर हैं। पूरी बहस का जवाब देने खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर। It has been said that the fundamental rights do not speak of the freedom of the press. In my judgment, the press has no special rights which cannot be exercised by the citizen in his individual capacity. The editor of a press or a manager are all citizens, and therefore, when they choose to write in newspapers, they are merely exercising their right of expression. And in my judgment, therefore, no special mention is necessary for freedom of the press at all. अगर अधिकतर लोग आम आदमी की सोच रहे थे तो कुछ लोग आदमी से ज्यादा औरतों की सोच रहे थे, और शायद जरूरत से भी ज्यादा। Sir, a lot has been said about common man.
But in the draft constitution, there is no mention of women. I think the peculiar composition of the drafting committee, which consisted of people who have no domestic relations with women, made them nervous about touching on that point. Yeah. Sir, from my experience as a parliamentarian and a man of the world, I think it would be wise to provide for a woman's constituency. If you give them a special constituency, they can have their scramble and fight among themselves without coming into the general constituency. Otherwise, we may at times feel weak and yield in their favor and give them seats which they are not entitled to. Shame, 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 shame. Chaudhary sahab ko laga tha ki auratein unka mazak chup-chap seh lengi. Par shayad unhone naye Bharat ki nayi mahila ko theek se samjha nahi tha. Sir, the last speaker, Shri Rohini Kumar Chaudhary, the erstwhile champion and defender of women, who is against removing their social disabilities, spoke about special electorates for women. And in spite of the chivalry of the previous speaker, Indian women will not tolerate any such reservation in the Constitution. Janab, ek aurat hone ke nate, mujhe sabse badi masarrat ye hai ki hamare aayin mein sex ki buniyad pe mard aurat ke beech koi bhed nahi kiya gaya hai. Aur mujhe yakeen hai ki aane wale waqt mein hamare desh ki aurtein naye samvidhan se barabari ke bartav ka pura bharosa rakh sakti hain. Aaj 6 dashakon baad aurtein aarakshan ki mang kar rahi hain kyunki hamare sadanon mein महिला सांसदों की तादाद औरतों की आबादी के अनुपात में ना के बराबर है. आगे चलकर संविधान सभा में बात जब शस्त्र रखने के हक को लेकर हुई तो केवल सिखों को कृपाण रखने का अधिकार मिला. फौरन दूसरे लोगों ने अपने अपने रिवाजों की दुहाई देते हुए शस्त्र रखने के हक को मूल अधिकारों के तौर पर मांगा. आदिवासियों के नेता और नुमाइंदे श्री जयपाल सिंह के तेवर तो सबसे अलग थे. सर, दिस मैटर ऑफ द आर्म्स एक्ट हैज बीन मिस्चिवियसली अप्लाइड अगेंस्ट द आदिवासीज. लेट मी गिव यू द इंस्टेंस ऑफ द ओडांस. दे आर द फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आदिवासीज इन इंडिया. जस्ट अबाउट नाउ देयर इज अ फेस्टिवल इन विच दीज ओडांस गेट टुगेदर, वॉक इन अ प्रोसेशन कैरिंग आर्म्स एंड वेपन्स लाइक लाठीज, बोज एंड एरोज, and they go to various akhadas in the villages. Now this has been going on for centuries. Last year, all of a sudden, we were told that we should not carry any arms and weapons. Now I don't mind pointing out, there are several members sitting here who are from Bihar. They won't be able to get back to their homes if they are not escorted by these people with arms. Every 7 years, it is a custom in Chota Nagpur, during festivals like Era Sendra and Jani Shikhar, Adivasi women get together, dress as men, and hunt in the jungles. Now, this is the only occasion that allows these women to show their masculine prowess naturally. So they love to dress as their men do. They love to carry arms and weapons like their men do, arms like lathis, bows and arrows, bhalas and so forth. But according to this particular article in the Constitution, my fear is that upon seeing these women walking into the jungles with arms in their hands, the government might interpret that they were getting together for some kind of dangerous purpose. बहुत से सदस्य जो खुद अंग्रेजों की जेलों में रहे थे, लफ्ज देशद्रोह अर्थात सेडिशन को लेकर चिंतित थे. वो चाहते थे कि इंसान की आजादी किसी भी कीमत पर आसानी से नहीं छीनी जानी चाहिए. सर, व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग, दे ऑफन केप्ट पीपल इन कस्टडी विदाउट ब्रिंगिंग देम टू ट्रायल. वी क्राइड अंटिल वी वर होर्स दैट दिस वेंट अगेंस्ट अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स. सर, दिस इज अ सेक्रेड राइट and it must be protected. It is said, emergencies may arise,
where this right may be denied. Even when emergencies arise, the High Court must have the power to ensure that the man is kept in detention only after proper trial. I would therefore request this assembly to see that provision is made in the fundamental rights that the liberty of every subject is protected. महोदय, हमारे यहां जो फौजदारी कानून है उस कानून में दफा 124A कब लगाई गई थी उसका मैं यहां के माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूं। उन्हें याद होगा कि वह दफा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सजा देने के लिए खास तौर से बनाई गई थी। मुझे यहां पे कुछ व्यक्तिगत बातें याद आ जाती हैं। मेरे परदादा को सोने का एक कमरपट्टा मिला था, हीरों से जड़ा हुआ। उसको सन 1857 में अंग्रेज सरकार को मदद देने के लिए दिया था और उस पर लिखा था, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज ड्यूरिंग द म्यूटनी इन 1857। मैंने 1930 के सत्याग्रह में अपने भाषण में कहा था कि मेरे परदादा ने जिस सरकार को स्थापित करने के लिए सहायता देकर पाप किया था उस पाप का प्रायश्चित उनके पड़पोते ने उस सरकार को उखाड़ने का प्रयत्न करके किया है। इस पर मेरे ऊपर 124A में मुकदमा चलाया गया और 2 वर्ष के लिए मुझे कड़ी सजा दी गई। कहने का मतलब यह है कि इस सभा के अनेक ऐसे सदस्य हैं जिनको इस 124A धारा के अनुसार सडिशन में न जाने कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी गई थी। बड़ी खुशी की बात है कि हमको जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस उपधारा में दी जा रही है और अब इसमें से सडिशन शब्द को भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अफसोस है कि राजद्रोह या सेडिशन की धारा बरकरार रही और आज तक लागू है और इस्तेमाल भी की जाती है। उधर एडवाइजरी कमेटी में 2 दिन, सब कमेटी में 11 और संविधान सभा में पूरे 25 दिन के बहस मुबाहसे गिले शिकवे के बीच हमारे मूल अधिकार तय हो ही गए और हर नागरिक को मिला समता, स्वातंत्र्य, संस्कृति, शिक्षा, जायदाद, शोषण से मुक्ति और संवैधानिक उपचार का अधिकार। बुनियादी हकों के अलावा एक अनोखी चीज शामिल हुई हमारे संविधान में, राजनीति के निदेशक तत्व, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड देन वी शुड हैव फूड, हेल्थ, एजुकेशन फॉर ऑल इफ पॉसिबल। आइडिया तो बहुत अच्छा है राव साहब, लेकिन हाउ कैन वी गारंटी ऑल दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी इतनी बड़ी आबादी के लिए। वेल, आई वॉज रिफरिंग टू एन आइडियल सिचुएशन इन एन आइडियल स्टेट, बट इन हिज अर्थशास्त्र कौटिल्य हैज रिटन दैट द किंग शैल प्रोवाइड फॉर ऑफन्स, द इनफर्म, एफ्लिक्टेड, हेल्पलेस, द सिक एंड द डाइंग विद मेंटेनेंस एंड हेल्पलेस एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड द चिल्ड्रन शी विल गिव बर्थ टू। हो सकता है हमारे बिहार में चाणक्य के जमाने में ये सब पॉसिबल रहा हो, लेकिन अच्छा, सपोज वी कैन नॉट प्रोवाइड व्हाट वी प्रॉमिस्ड, देन व्हाट? उसके लिए क्या सजा तजवीज करेंगे आप? वेल, द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट विल ओनली अराइज व्हेन वी मेक दीज आइडियाज इनटू फंडामेंटल राइट्स व्हिच अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन डिसाइड ऑन। At least by incorporating these into directive principles, we can set ourselves up a dream destination which one day we will want to arrive at. And therefore, it is my belief that future governments will find directive principles of state policy necessary. The idea is excellent. बल्कि इस तरह से हम उस वादे को भी पूरा कर पाएंगे जो 1928 की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हमने लोगों से किया था, जिसमें हर शख्स को हेल्थ, एजुकेशन और
काम प्रोवाइड करने के साथ साथ हर जच्चा बच्चा और बीमार की देखभाल करने का वादा भी किया गया था। लेकिन राव साहब, अपनी सब कमेटी के मेंबरान को यह सारी बात समझाने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर ए नोट लाइक यू ऑलवेज डू। एब्सोल्युटली सर, आई विल। और यूं तय होने शुरू हुए राजनीति के निदेशक तत्व, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी वो अधिकार जो भले न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते पर जो देश के शासन में मूलभूत हैं और जिनको लागू करवाना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। द प्रिंसिपल्स सेट फोर्थ हियर आर इंटेंडेड फॉर द जनरल गाइडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एप्लीकेशन ऑफ दीज शैल बी द केयर ऑफ द स्टेट and shall not be cognizable by any court of law. The union and all its units thereof shall direct its policies towards securing that all citizens, men and women, shall have adequate means of livelihood, equal pay for equal work, that all workers, children and women shall not be abused and exploited because of economic necessity, that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. Aur har mazdoor ko wo chahe karkhane mein kaam karta ho ya khet khalihan mein itna rozgar to milna hi chahiye ki wo apna jeevan yapan kar sake aur dhang ki zindagi jee sake जहां उसे समाज और संस्कृति से जुड़ने की फुर्सत भी मिले। और ये कि विवाह सिर्फ औरत और मर्द दोनों की हामी से ही हो और वैवाहिक जीवन में दोनों की बराबरी की मर्जी चले और दोनों के समान अधिकार हों। ये शायद संभव न हो पाए क्योंकि हमारा समाज अभी इतना विकसित नहीं है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक कुतुब नुमा की तरह हमें बताते रहते हैं कि देश और समाज को आदर्श रूप से किस दिशा में जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों पर भी बहुत सोचा संविधान सभा के सदस्यों ने। द स्टेट शैल मेक नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। एंड व्हाट अबाउट सेक्स? व्हाट सेक्स? जेंडर। I want the word sex also to be included here. असमानता हटाने की बात करते वक्त आप लोग औरत और मर्द के बीच की असमानता हटाने की बात करना क्यों भूल जाते हैं? Then we can say that no discrimination shall be made on grounds of religion, race, caste, language and sex. But discrimination for women means discrimination against men, isn't it? But how? Suppose you have a park solely for women which is paid for by public funds, then it will be considered illegal if you say no discrimination shall be made on ground of sex. Yes. For example, we cannot make a tank only for Muslims. It will be illegal because it discriminates on grounds of religion. आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल से सिर्फ औरतों के लिए पार्क, तालाब, घाट, कुएं सब बंद कर दिए जाएंगे? If we have to provide for women some separate institutions, then the use of the word sex in this clause would make it difficult. तो फिर हटा दीजिए ऐसे। पर कम से कम हम औरतों के लिए अलग संस्थाएं, घूमने फिरने उठने बैठने की जगह है तो रहने दीजिए। जायदाद और अपनी मर्जी से शादी के मसले में तो आप पहले से ही हमारे हक छीन चुके हैं। और तो और विवाह में मर्द और औरत दोनों की सहमति जरूरी हो, मेरी इस तजवीज को भी आप लोगों ने ताक पर रख दिया है। You have removed my clause on the right to marriage by mutual consent. आखिर औरतों को चाहिए क्या? अगर आप लोगों को मर्दों से बराबरी चाहिए तो वो तो अब सब बराबर है ही। अब आपको बराबरी भी चाहिए और ऊपर से खास अधिकार भी चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर औरतों को चाहिए क्या। I for one do not complain about their attitude. I agree with your attitude, madam. Thank you. If you allow us to change this clause to read as follows. The state shall make no discrimination on grounds of religion, race, caste, and language
provided that nothing contained in this clause shall prevent separate provisions being made for women and children. I have no objection to that. Then, shall we accept this clause as amended? Accept. Accept. डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में संविधान का मसौदा पेश करते हुए राजनीति के निदेशक तत्वों के बारे में लोगों को बताया। In the draft constitution, the fundamental rights are followed by what are called the directive principles. It is a novel feature in a constitution framed for parliamentary democracy. Directive principles are like instruments of instructions. The inclusion of such instructions in such a constitution becomes justifiable for another reason. The draft constitution is not a contrivance to install any particular party in power, as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people. But the group that captures power will have to respect the directive principles. They cannot ignore them. Their breach may not be answerable in a court of law, but will certainly be answerable to the electorate at election time. Sir, as the Honorable Law Minister himself candidly admitted, the directive principles of state policy cannot be enforced in a court of law. They are pious and superfluous. If no legal remedy is provided, sir, it would be absolutely wrong to insert the so-called rights in the statute. I submit, if these principles of purely directive character be at all introduced in a statute, then I think there are other principles also which should equally be introduced. Say, for instance, don't ill-treat your neighbor. Don't tell a lie. There are 10 commandments in the Bible. Then there are other commandments in various other religions. And from practical life, they should also be introduced on the same principles. नजीरुद्दीन अहमद साहब जैसे लोग जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरी तरह खारिज कर रहे थे, वहीं ऐसे लोग भी थे जो इन्हें बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। और जैसे जैसे संविधान अपना स्वरूप लेता गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर लोगों के ख्यालात बदलते गए, साफ होते गए। सन 48 के अंत में एक बार फिर निदेशक तत्वों को लेकर सभा में बातचीत शुरू हुई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात बहुत अहम और जरूरी है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी ताल्लुक रखती है और बुनियादी तौर पर हमारे इकोनॉमिक हालात से भी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि इन उसूलों को हमारे आईन में बुनियादी हुकूक का दर्जा मिलना चाहिए और इन्हें 10 वर्षों के अंदर अंदर लागू करवाने के लिए मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि लफ्ज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को काट कर उसकी जगह पर हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सर, सरदार पटेल गेव द टाइटल टू दिस राइट्स एज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। आई शुड लाइक टू नो फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर, व्हाई हैव दे मेड अ डिपार्चर एंड चेंज द टाइटल टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सर, द वर्ड डायरेक्टिव इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट because it is to be understood as giving certain direction to the future executive to show in what manner they have to exercise the power which they will have of legislature and executive. कामत साहब का अनुमोदन तो पास नहीं हुआ, पर श्री अनंत सैनम अयंगार, जो इतना बोलते थे कि लोग उन्हें अनंत वचनम कहते थे, उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। मिस्टर चेयरमैन, सर, it is said that the state should, within a period of 10 years, introduce free compulsory education. Let us assume that the state does not do so then.
Can any court of law enforce it? Against whom? In case a decree is granted by court of law, who will carry it out? If the government does not carry it out, can the High Court or Supreme Court enforce it? Is it open to the Supreme Court to change such a government? With its authority, can it imprison all the ministers and bring in a new set of ministers? In the nature of things, these are only directive and cannot be justiciable rights at all. कई सदस्य चाहते थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमें अधिक धार देनी चाहिए। सर, इस अनुच्छेद की शुरुआत में ही साफ लिखा है कि इन आदर्शों को लागू करवाने को लेकर आप अदालत के सामने नहीं जा सकते। बिना किसी को ठेस पहुंचाए मैं कहूंगा कि इस तरह की बात से न अदालत को संविधान की फिक्र होगी, न एग्जीक्यूटिव को इसकी चिंता। और जब इन्हें सहूलियत हुई तो वो इन बातों को लागू करेंगे, वरना भूल जाएंगे। इट लुक्स टू मी लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल व्हेन एबल, दैट इज ओनली इफ द रिसोर्सेज एट द बैंक परमिट। यह हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम मुद्दा है और यह सिद्धांत हमें बार बार उन उसूलों की याद दिलाते हैं जो हमारे संविधान में शुरुआत से ही हैं, उसकी आत्मा में ही बसे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्त केटी शाह से कि वो इसकी मुखालिफत ना करें और अपने अमेंडमेंट पर ज्यादा जोर न डालें। कुछ लोग इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक खास राजनीतिक रंग देना चाहते थे। सर, यह जग जाहिर है कि हमारा जो समाज है उसे एक पूंजीवादी समाज ही कहा जाएगा और इस समाज में शोषण करने वाले और शोषण सहने वाले दोनों एक साथ रहा करते हैं। इसमें शोषण करने वाले स्पष्ट है कि शोषित वर्ग को दबाकर ही रखते हैं। इस किस्म के समाज में असली जनता की भलाई न हो पाएगी न कायम रहेगी। उनकी भलाई तभी संभव हो पाएगी जब शोषण करने वाले वर्ग को ही समाप्त कर दिया जाए, और यह तभी मुमकिन होगा जब हम स्थापना कर सकें एक समाजवादी गणराज्य की। कईयों को यह सूरत बिल्कुल मंजूर नहीं थी। सर, क्या इन प्रिंसिपल्स का मकसद यह है कि इस मुल्क की सियासी पार्टियों को किसी खास तरह के उसूलों और सियासी प्रोग्राम तक महदूद रखा जाए? इसे जमहूरियत नहीं कह सकते, खास तौर से वो जमहूरियत जिसका हमारे यहां तस्वुर किया गया है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें आवाम की तरफ जवाबदेही होती है। यह कॉन्स्टिट्यूशन महज एक फरमा है जिसे जो भी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी संभाले इस्तेमाल कर सकती है ताकि वो अपने प्रोग्राम, ख्यालात और उसूलों के मुताबिक उसे ढाल सके। शराब और नशेबंदी को लेकर बड़ी स्पिरिटेड नोकझोंक हुई सदन में, क्योंकि वहां दोनों किस्म के लोग मौजूद थे, पीने वाले और शराब से नफरत करने वाले। ऐसे में लोगों का थोड़ा बहुत बहक जाना तो लाजमी था। मुझे हैरत है कि जिस तरह से हमने अपना आयन लिखा है इसमें नशाबंदी, दारूबंदी और शराब बेचने बनाने के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। एक नया आर्टिकल हमें डालना चाहिए जिसमें यह साफ लिखा होना चाहिए कि स्टेट ये देखेगा कि शराब और दूसरी नशे की चीजों को बनाने, बेचने, लाने, ले जाने और पीने पर पूरी तरह से रोक लग सके। जनाब, मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है, अगर इजाजत हो तो आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा। इरशाद फरमाएं। इलाही हमसे मैखारों को वो दुनिया अता होती जहां हुक्मन पिया करते, ना पीते तो सजा होती। मेरा कहना है कि हमारे संविधान में अगर शराबबंदी नहीं है तो इसमें गांधी जी भी नहीं है, क्योंकि जहां मैं और मदिरा होगी वहां गांधी जी नहीं हो सकते, और जहां गांधी जी होंगे वहां दारू नहीं हो सकती। और मुझे इस अमेंडमेंट से नहीं बल्कि उस जगह से एतराज है जहां संविधान में मेरे काबिल दोस्त इसे लाना चाहते हैं। पहली बार श्री महावीर त्यागी की बात से एकमत हुए डॉक्टर अंबेडकर।
If it is this matter of prohibition, then it has been agreed between myself and Mr. Tyagi that he will move an amendment and I propose to accept his amendment. So the matter may be postponed until then. I submit that by the back door, there seems to be a collective attempt here to interfere with the religious rights of the most ancient people of this country, the Adivasis. I remember during our discussions in the advisory committee, Maulana Azad was pleased to put a direct question to me. And his question was, Kya ye mazhabi cheez hai? Is this a religious matter? Now, sir, as far as the Adivasis are concerned, there's absolutely no religious ceremony, no religious festival that can be performed or celebrated without the use of rice beer. So pardon my saying so, but this amendment seems to be a vicious one. It seeks to interfere with my religious rights. So whether you put it in the constitution or not, I'm not prepared to give up my religious privileges. पर इन सब बातों के बीच एक बड़ी अजीबोगरीब आवाज उठ खड़ी हुई। ओडिशा से आए थे श्री लक्ष्मी नारायण साहू। माननीय उप प्रधान जी, पहले श्री जयपाल सिंह जी ने जो फरमाया है कि आदिवासियों में ये ड्रिंक बहुत चलती है, तो वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आदिवासी जो ड्रिंक करते हैं वो दूसरे तरीके की होती है। वो तो हम लोगों के ओडिशा में एक वृक्ष है जिसका नाम सलभ है, उसका ड्रिंक थोड़ा सा धीमा करता है लेकिन उनको पागल नहीं बनाता। अब जिस दिन से इस हिंदुस्तान में, जैसा माननीय केशव चंद्र सेन ने कहा है, द टू ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडिया आर ऑन द वन हैंड द बाइबल एंड इन द अदर हैंड द बॉटल, कि जयपाल सिंह जैसे लोग जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं वो ऐसा मत कहें। हमारे देश में सती की रिलीजियस फ्रीडम थी, वो आज कहां चली गई? हमारे आदिवासियों में ह्यूमन सेक्रीफाइस जायज थी, लेकिन आज वो बुरी प्रथा मिट गई। आज गवर्नमेंट हमें ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं करने देती, और जो आदमी स्कूल में पढ़ने जाए उसे दारू नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना और दारू पीना दोनों अलग अलग करना चाहिए। जो आदमी पढ़ता है वो दारू नहीं पीता। डॉक्टर अम्बेडकर को ही पीने वालों और न पीने वालों में बीच बचाव करना पड़ा। Even though a state may apply its own law regarding prohibition in any part of the country, it has no right to make it applicable to tribal areas without the consent of their district and regional councils. गोरक्षा को लेकर बहुत से सदस्य बड़े बेचैन और उत्तेजित थे, और जब पंडित ठाकुर दास ने प्रस्ताव रखा कि दूध देने वाली गायों और उनके बछड़ों के वध का निषेध होना चाहिए, तो सेठ गोविंद दास फौरन उछल गए। महोदय, पंडित ठाकुरदास यह चाहते हैं कि गायों का और दूसरे उपयोगी जानवरों का वध निषेध हो। इसका यह अर्थ होता है कि अनुपयोगी गायों को काटा जा सकता है, परंतु मेरे सुधार का अभिप्राय यह है कि जहां तक गायों का संबंध है वहां तक गायें चाहे उपयोगी हों या अनुपयोगी हों, और गायों के अंदर सांड, बैल, बछड़े भी आ जाते हैं जो गायों से उत्पन्न होते हैं, उन सब का वध रोक दिया जाए। मैंने तो इस प्रस्ताव को फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में भेजा था, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि वहां पर यह उस समय नहीं रखा जा सका, और उसका कारण यह बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार सिर्फ मनुष्य से संबंध रखते हैं, पशुओं से नहीं। इस देश के जो बड़े बड़े सांस्कृतिक प्रश्न इस विधान परिषद के सामने हैं, उनमें देश का नाम क्या रखा जाए, देश की राष्ट्रभाषा क्या हो, देश की राष्ट्र लिपि क्या हो, देश का राष्ट्रीय गान क्या हो, और देश में गौवध हो या बंद कर दिया जाए, जब तक इन प्रश्नों का निपटारा हमारी विधान परिषद इस देश की जनता की राय के अनुसार नहीं करेगी, तब तक इस देश की जनता स्वराज का कोई अर्थ नहीं समझ सकती। महोदय, वसुधैव कुटुंबकम के हमारे देश में समस्त संसार को एक समझा जाता था, और इस एकता के जीवन का प्रतीक गौ है। क्या हम इसका निर्वाह नहीं करेंगे? हम
जो अपने करोड़ों देशवासियों के प्रतिनिधि हैं। यदि हमें अपने देश, समाज और संस्कृति की रक्षा करनी है तो सबसे पहले हमें गौ रक्षा का व्रत लेना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, कुछ लोग मेरे पास आए और बोले अब गायों को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि गौ रक्षा को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। तो ये मौलिक अधिकार इंसानों का अधिकार होगा या गायों का संवैधानिक अधिकार माना जाएगा? मैंने उन्हें जवाब दिया और कहा, मान लो कि बात अगर गाय की नहीं तुम्हारी मां को बचाने की होती तो तुम उसे किसका मौलिक अधिकार कहते? वो तेरी मां का अधिकार होता या तेरा? बोलो। मेरे लिए मेरी मां की रक्षा, मेरी पत्नी की रक्षा, मेरे बच्चों और परिवार की रक्षा उसी तरह मेरा मौलिक अधिकार है जैसे कि गाय की रक्षा। किंतु प्रोफेसर के टी शाह जैसे धीर गंभीर लोग किसी एक छोटे से नुक्ते को लेकर नहीं बल्कि देश की बड़ी तस्वीर को लेकर चिंतित थे। सर, इंडिया को एक सोशलिस्ट संघ कहना कतई सही नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि हम और चाहे कुछ भी हो, सोशलिस्ट यानी समाजवादी तो है ही नहीं। सर, ऐसे लोग भी हैं जो सोशलिज्म के सामाजिक न्याय से वाकिफ हैं और जानते हैं कि आने वाला कल समाजवाद का युग होगा और केवल समाजवाद ही इंसान और इंसान के बीच बराबरी का रिश्ता कायम कर सकता है। सर, केवल समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकार मिलेंगे और हर आदमी दूसरे के बराबर होगा और हमारे जीवन से वो सारी झूठी बाधाएं, रिवाज, रस्में, कानून सब खत्म हो जाएंगे जिनमें चंद लोगों के फायदे के लिए इंसान ने खुद अपने आप को जकड़ रखा है। डॉक्टर अंबेडकर को फिर एक बार ड्राफ्टिंग कमेटी की बात और इरादे सबको समझाने पड़े। आर्टिकल 31 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट सेज द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग 1 दैट द सिटीजन्स मेन एंड वुमेन equally have the right to an adequate means of livelihood. 2. The ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. 3. The operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and the means of production to the common detriment. 4. That there is equal pay for equal work for both men and women. There are some other items more or less in the same strain. What I would like to ask is this. If these directive principles to which I have drawn attention are not socialistic in their direction and content, I fail to understand. Can socialism be any more than this? अधिकतर संशोधन खारिज कर दिए गए और डॉक्टर अंबेडकर का रखा प्रस्ताव पास हो गया। पर सारे मूल अधिकारों और दिशा निर्देशों के अलावा हर नागरिक अपने कर्तव्य को भी तो जाने और पहचाने, इस मुद्दे को उठाया प्रोफेसर केटी शाह ने। सर, एक चीज ऐसी है जिसे इस वक्त भी संविधान लगभग बन चुकने के इस मोड़ पर भी मैं सभा के सामने लाना चाहता हूं। हमने संविधान में बार बार अपने हकों की बात की है, केवल अधिकारों की, जबकि अपने कर्तव्यों के बारे में हमने पूरे संविधान में एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं इस सभा के सामने साफ कहना चाहूंगा कि एक विचारशील व्यक्ति समाज सदन के नाते अपने केवल अधिकारों की बात करते रहना और एक नागरिक के नाते समाज, संघ और देश के नाते अपने कर्तव्यों को भूल जाना सही नहीं है। मैं तो कम से कम यही कहूंगा कि एक नागरिक के प्रति राज्य के कर्तव्य जितने जरूरी हैं
उससे कम जरूरी नहीं है राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्य। हमें उनको भी अपने संविधान में फौरन शामिल करना चाहिए। पर नागरिक के कर्तव्यों को हमारे संविधान का हिस्सा बनने में थोड़ा वक्त लगा, और संविधान बनने के पूरे 25 साल बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में बहुत से बदलाव किए, उसी वक्त हमारे मूल कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। क्या आप जानते हैं हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या हैं? चलिए मैं आपको उनका सार बताती हूं। एक, संविधान का पालन, उसके आदर्शों और चिन्हों का आदर। दो, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन। तीन, राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा। चार, देश की रक्षा और सेवा। पांच, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग से परे सभी की समरसता और समानता की भावना का निर्माण। छह, हमारी गौरवशाली संस्कृति का सम्मान और रक्षण। सात, प्रकृति पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन। आठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास। नौ, हिंसा का त्याग और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। दस, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर गमन। ग्यारह, माता पिता संरक्षक के रूप में बच्चों के लिए शिक्षा विकास की जिम्मेदारी। गाड़ी चाहे कितनी भी उम्दा क्यों ना हो, उसे चलाने वाला ड्राइवर ही सफर को अच्छा, बुरा, महफूज या खतरनाक बना देता है। इसी तरह कोई भी संविधान उतना ही अच्छा या बुरा हो सकता है जितना उसको पालन करने वाले बनाए। अब हमें अपने संविधान को कैसे बरतना है, इसका फैसला भी आपको और हमको ही करना होगा।